हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है सोया मिक्स वेज पुलाव और बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन है। आपका लंच और डिनर में कभी भी आप खा सकते हो और ये एक वन पॉट डिश है। बहुत क्विकली बना सकते हो और बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन है आपके किसी भी मील में इंक्लूड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने जो लिया है, मेरे पास मैंने यहाँ पे प्याज दो लिए हैं और तीन टमाटर और एक आलू और कॉलीफ्लावर गोभी लिए मैंने और सोया चंक्स लिए। और ये मैंने इनिशियली आपको जो तैयारी करके रखी है, सबसे पहले मैंने जो सोक कर दिया है बासमती राइस को आधे घंटे के लिए, सोया चंक को गर्म पानी में भिगो दिया है। और आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले हम तेल लेंगे पैन में और जीरा डालेंगे, दो बड़ी इलायची, बे लीव्स, दो तीन लौंग क्लव्स और इनको हल्का सा आपको भुनना है जैसे कि जीरा स्टार्टर हो जाए। फिर अनियन को आपको स्लाइस करके इस तरह से ऐड करना है और अनियन को आपको अच्छे से पकाना है। अनियन को कच्चा नहीं छोड़ना, नहीं तो पुलाव में अच्छा टेस्ट नहीं आता। जब अनियन आधे पक जाएंगे, हाफ में वे में होंगे, तो हम इसमें चॉप जिंजर और चॉप गार्लिक वो दोनों ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैं चॉप्ड ही यूज़ करती हूँ, मैं इसको पेस्ट नहीं बनाती पुलाव में। और ग्रीन चिलीज ऐड कर दिए। जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तब हमें जो स्लाइस किए हुए टमाटर है वो भी डालने हैं। जिस तरह से आप प्याज को चॉप करोगे ना, वैसे ही आपको टमाटर भी करने हैं। फिर आप नमक, चिली फ्लेक्स, यहाँ पे मैंने डाला है, यहाँ पे सिनेमन पाउडर डाला है तो इससे ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, और वो मैं ऐड कर दूंगी। और गरम मसाला, तो अब आप थोड़ा सा गरम मसाला कीजिएगा। और अब इसमें सब्जी जो गोभी है और आलू पहले मैं डालूंगी, इसको एक मिनट के लिए भूनना है। फिर आप इसमें सोया चंक डाल दीजिए और सोया चंक डालने के बाद आप इनको मिक्स कीजिए अच्छे से। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी भीगे हुए। अगर आपने ज्यादा देर तक भीगे हुए रखे हैं, अगर ज्यादा देर तक सोक्ड राइस है तो आपको फिर सेम ही पानी डालना है। जैसे एक एक कप राइस है तो एक कप ही पानी डालोगे। अगर आपको इंस्टेंटली कर रहे हो तो फिर डेढ़ कप पानी डालना। ये मेरे लिए ये बिल्कुल सही मेथड होता है कि अगर मैं उसी वक्त भिगो रही होती हूँ और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ तो मैं डेढ़ कप डालती हूँ, और मैंने एक घंटा अगर मैंने सोक करके रखा है तो सेम पानी डालती हूँ। और साथ ही जब ये थोड़ा सा मिक्स कर देंगे तो इसमें मैं डाल रही हूँ, मैंने मटर डाल दिए थे, और मटर डाल के इसको अच्छी तरह से आपको चलाना है एक बार। और जब ये अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा फिर आपको नहीं छेड़ना, बार बार नहीं छेड़ना, शुरू शुरू में ही आपको एक दो बार छेड़ना है। जब ये आधा पानी सूख जाएगा तो इसमें ग्रेटेड जो है वो गाजर डाल देंगे। उसको मैं ग्रेट करके डालती हूँ ताकि कोई भी इसको अलग से निकाल के, बच्चे अलग से निकाल के रखते नहीं है, वो खा लेते हैं, ये मुझे इसलिए ग्रेटेड करके ज़्यादा पसंद है डालनी। और अब इसको ढक के आपको बिल्कुल मीडियम आंच पे, आपको मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। और फिर आपको 10-15 मिनट बाद आप इसको इसका लिड ओपन करेंगे तो ये चावल बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो अभी मैं इसकी लिड जो है बंद कर दूंगी, और अब मैंने थोड़ी देर के बाद खोला है तो अब ये जो पुलाव हमारा रेडी हो गया। और इसको हल्के हाथ से आपको मिक्स करना है, साइड से ही कीजिएगा नहीं तो चावल टूट जाते हैं। तो इसको मिक्स करके आप इसको आप सर्व कीजिएगा रायते के साथ, चटनी के साथ, और ये बहुत ही एक डिलीशियस मील है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।